तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का जो ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है और उसमें वाइवा के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके एक बेहतरीन क्लास के रूप में 10% में और लेके आया हूँ। और आप सभी को पता होगा कि पहले भी मैंने कई प्रश्न यहाँ पे आपको करवाए हैं और वही के वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो 10% एक मेरा साथी या मेरा शिष्य आप कह सकते हैं, उनको वहाँ पर पूछे गए, तो वो प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार करके आप सभी के सामने रखने का मैंने थोड़ा सा ये हिम्मत जुटाई है और आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मानवीय भूल के कारण आप मुझे क्षमा कर देना। और सबसे पहला प्रश्न है, कभी कभी क्या होता है, ये जो वाइवा में इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये दोस्तों कॉमन सेंस से दिए जाने वाले सवाल या जवाब होते हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते सर आपने ऐसा जवाब क्यों दिया। कहने का मतलब है इनका जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट आंसर आपको देना चाहिए। गाड़ी रवाना करने से पहले क्या क्या जांच करेंगे, आप गाड़ी को अगर रवाना करते हैं तो उससे पहले क्या क्या जांच करते हैं, तो मेन चीज तो होती है गाड़ी में कि रेडिएटर में कूलेंट का लेवल और इंजन ऑयल का लेवल, दो चीजें। तीसरी, फ्यूल टैंक में आपका फ्यूल हो। चौथा, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स हो, टूल बॉक्स हो, स्पेयर टायर हो और गाड़ी चारों ओर से साफ सुथरी हो, गंदगी कहीं पर लगी हुई ना हो, नंबर प्लेट दोनों साइड में लगी हुई हो, ऐसी चीजें आप वहां पर चेक करेंगे। और अगला प्रश्न है रोड साइन के प्रकार, तो आपको बताना है रोड साइन 3 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य संकेत या आदेशात्मक संकेत, नंबर 2 चेतावनी संकेत जो कि त्रिभुज में होते हैं, नंबर 3 सूचनात्मक संकेत जो कि चौकोर आकृति में या आयत में होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 यहां पर है, किसी चढ़ाई पर किसी वाहन को पहले जाने का अधिकार है, किसी चढ़ाई पर आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो पहले किसको क्या अधिकार होगा, तो जो गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ती है ना उसको प्राथमिकता होती है, उसको प्रथम अधिकार होता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ेगी उसको प्रथम जाने का अधिकार होगा और जो नीचे ढलान की ओर आएगी उसको बाद में आना होगा। तो यहां पर जो गाड़ी चढ़ रही है उसको हमें रास्ता देना चाहिए, क्योंकि वो चढ़ाई पर चढ़ रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो उसका एक बार रुक जाना उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है इसीलिए। इसके अलावा चौथा प्रश्न, मेरे दोस्त से स्कूल का संकेत पूछा गया, गिव्य का संकेत पूछा गया, साथ ही दोस्तों गिव्य के संकेत के बारे में यह पूछा गया कि गिव्य का संकेत का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि सर गिव्य का संकेत वहां पर किया जाता है जहां पर कोई एक मेन सड़क हो, ये मोटी सड़क है, साइड से एक छोटी सड़क आके यहां पर मिलती हो, तो यहां पर गिव्य का संकेत होगा। और इसका मतलब यह है कि मेन मार्ग पर आपको पूछ लिए कि गिव्य के संकेत का मतलब क्या होता है, रास्ता दें, किसको रास्ता दें, पूरा मतलब पूछे तो आप बताना है कि सर मुख्य मार्ग पर या मुख्य सड़क पर चलने वाले वाहनों को बिना बाधा पहुंचाए हुए रोड पर प्रवेश करना, या जो मेन मार्ग जो है मुख्य सड़क है वहां पर जो वाहन पहले से चल रहे हैं उनको हमारी वजह से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए गिव्य का संकेत बना हुआ होता है। अमूमन इस प्रकार का संकेत चौराहे के पास में या छोटी सड़क जब बड़ी सड़क पर चढ़ती है वहां पर होता है। तो यहां पर एक संकेत स्कूल का भी आया है, स्कूल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको पूछना है कि भाई स्कूल के पास में हॉर्न बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। तो पहली बात तो यह है स्कूल का नियम क्या है, हॉर्न कहां पर बजाया जा सकता है, कहां पर नहीं बजाया जा सकता, इसके संबंध में पूछिए तो आपको बताना है केवल और केवल स्कूल छोड़कर अदालत और हॉस्पिटल, अदालत और हॉस्पिटल के पास में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा स्कूल के पास आप हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंडीशन है आप स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्कूल के संबंध में पूछे तो आपको यहां पर बताना है कि स्कूल के पास में हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते केवल 100 मीटर के दायरे में, लेकिन स्कूल के 100 मीटर के दूर अगर कोई सड़क गुजर रही है और वहां पर स्कूल का अगर गेट है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं तो वहां पर हमें क्या बातें सावधानी रखनी है, तो वहां पर पहली बात तो आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप हॉर्न का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, है ना, हॉर्न का प्रयोग आप ऐसी जगह पर नहीं कर सकते जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती हो, बल्कि बालक या स्टूडेंट अगर सड़क पे आ रहे हैं तो आपको हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। ये दो चीजें आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब है अगला प्रश्न,
टाटा 407 में टायर का प्रेशर पूछा गया था, तो आपको पीछे आगे के टायरों में 60 और पीछे में 70 आप बता सकते हैं। और ये पूछते हैं किसमें होगी, तो आप पौंड बता सकते हैं, केवल पौंड। जो PSI लेते हैं ना नाम, ये भी थोड़ा ध्यान दें भाई, आपको PSI नहीं लेकर पौंड नाम लेना है। PSI नाम लेते ही आपको पूछेंगे PSI की फुल फॉर्म और इसका मतलब क्या होता है। एक किलोग्राम में भी आता है, आपको पता होगा इसका माप, जो हवा का माप होता है वहां पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि गाड़ियां होती है छोटी एयर गाड़ियां, लंबी गाड़ी में 2.5 kg, यहाँ पे जो है ना 2.5 kg सेमी स्क्वायर, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आता है, हवा आती है। तो यहाँ पर ये केजी का और जो PSI का संबंध है, यहाँ पर ध्यान देना 14.22 PSI बराबर क्या होता है, 1 kg होता है, ठीक है। तो जो LMV गाड़ियां हैं 35 PSI होगा, तो 35 PSI में 2.5 kg यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका भार हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको केवल पौंड में बतानी है कि आगे 60 पौंड और पीछे 70 पौंड। इंजन ऑयल कितना आता है, टाटा 407 में इंजन ऑयल पूछे, तो यहाँ पर आपको लगभग 9 लीटर के आसपास आपको बताना है, 9 लीटर के आसपास बता देना कि 9 लीटर इंजन ऑयल आता है। साइलेंसर का क्या उपयोग है, तो साइलेंसर का जो उपयोग होता है, तो साइलेंसर का उपयोग पूछे तो आपको बताना है, जब इंजन चलता है तो इंजन से जो बहुत तेज की आवाज निकलती है इसको धीमा करने के लिए, आपको पता है जब इंजन चलता है तो इंजन के अगर अंदर जो है आग की चिंगारियां लपटें निकलती है, वो लपटें पर्यावरण में जाकर कोई नुकसान न पहुंचाए, आवाज जोर से न गूंजे जिसकी वजह से असुविधा न हो, इसके लिए साइलेंट यानी कि चुपचाप, साइलेंट से साइलेंसर बना है और इसका मेन काम है आवाज को कम करना, साथ ही जो प्रदूषित गैसें हैं उनके प्रभाव को कम करना, साथ ही दोस्तों यहाँ जो इंजन से आग की लपटें निकलती है उनको शांत करना, तीनों काम साइलेंसर के होते हैं। और इस काम को करने के लिए यहाँ पर कैटेलिक कन्वर्टर का प्रयोग प्रदूषण को कम करने के लिए, आवाज को कम करने के लिए मफलर का प्रयोग, और यहाँ पर आग की चिंगारियों को बुझाने के लिए रेजोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों ही पार्ट साइलेंसर के पार्ट होते हैं, कैटेलिक कन्वर्टर, मफलर और रेजोनेटर। तो आपको पूछे कि साइलेंसर का क्या उपयोग है, तो यहां पर आपको बताना है इंजन से निकलने वाली तेज हवा, तेज आवाज को कम करना, आग की लपटों को शांत करना या आग की चिंगारियों को शांत करना, और प्रदूषण को कम करना साइलेंसर सिस्टम का काम होता है, ठीक है। प्रदूषण, आग की चिंगारियों को शांत करना, आवाज को मंद करना, तीन काम साइलेंसर के होते हैं। रेडिएटर का क्या काम है, तो आपको कहना है कि रेडिएटर का काम है इंजन के तापमान को एक निर्धारित तापमान पर बनाए रखना, या इंजन के तापमान को वर्किंग टेम्परेचर पर बनाए रखना, या इंजन के तापमान को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना, या इंजन को ठंडा करना, इंजन को ठंडा रखना इसका काम होता है। ये आप किसी भी प्रकार से बता सकते हैं, इतना कोई ज्यादा यहां पर वो डीप में जाकर नहीं पूछेंगे क्या काम होता है। अब रेडिएटर कैसे ठंडा करता है, तो इसमें हम पानी और कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट और पानी का मिश्रण पूछिए तो 1:3 आपको बताना है, यानी कि लगभग बोलेरो या टाटा 407 में 10-11 लीटर तक का टैंक है, कूलिंग जो सिस्टम होता है इसमें होता है। तो 10-11 लीटर में मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 3 लीटर कूलेंट हो जाएगा और 6-7 लीटर तक आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब एक अगला प्रश्न हमारे सामने आया है, होज पाइप किन के मध्य में लगी होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, गाड़ी में 4 होज पाइप होते हैं, पहला है अपर होज पाइप, दूसरा है लोअर होज पाइप, तीसरा है ओवरफ्लो होज पाइप, या जो है मतलब कि हम कह सकते हैं बाईपास होज पाइप, एक होता है ओवरफ्लो होज पाइप, चौथा ओवरफ्लो होज पाइप होता है जो कि रिजर्वायर टैंक से जुड़ी रहती है, ओवरफ्लो रिजर्वायर टैंक से। एक जो बाईपास पाइप होती है वो जब इंजन ऑलरेडी ठंडा होता है तो कूलेंट भी ठंडा होता है, तो वो पानी या कूलेंट जो है वो इंजन के अंदर ही वापस चला जाता है, जो कि बाईपास पाइप से जाता है, बाईपास से। एक लोअर हो गया, एक अपर हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के होज पाइप गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। अंतिम प्रश्न था, बैटरी में कौन सा वैक्यूम क्यों डालते हैं, कौन सा लिक्विड वैक्यूम डालते हैं। आप सभी को पता होगा कि बैटरी के अंदर है, हम एक तो एसिड डालते हैं और एक पानी डालते हैं, एसिड और पानी, इन दोनों का अनुपात पूछे तो 2:3 इनका होता है, यानी कि यहाँ पर जो बैटरी होती है इसमें पानी भी 2:3 के रेशियो में डलता है, और ये पानी होता है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी को हम वाष्पीकृत पानी भी कह सकते हैं,
डिस्टिल्ड वाटर भी कह सकते हैं, आसूत जल भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको पूछे कि पानी कितना डालेंगे। तो अगर छोटी गाड़ी का पूछे LMV का, तो आप कह देना सर 1 लीटर के आसपास पानी हम डालते हैं टॉप अप करते हैं इसमें। अगर HMV गाड़ी की बात आए तो यहाँ पर आप 3 से 4 लीटर पानी बैटरी में आता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो ये ऑटोमोबाइल्स की दुकानें होती हैं वहाँ पर 5-5 लीटर तक के डिस्टिल्ड वाटर के टैंक होते हैं जो कि बैटरी में डालने का काम है वो करते हैं। पानी वही होता है जो हम पीते हैं, लेकिन वो एक शुद्ध जल होता है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी सब कुछ वही है। बाकी बैटरी, अब गाड़ी में आपको पूछे बैटरी का क्या काम है, तो गाड़ी को स्टार्ट करना बैटरी का मुख्य काम होता है। बैटरी को चार्ज कौन करता है? अल्टरनेटर करता है। अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या है? बैटरी को चार्ज करना। बैटरी का मुख्य काम सेल्फ स्टार्टर मोटर की मदद से इंजन को स्टार्ट करना। सेल्फ स्टार्टर मोटर का क्या काम है? इंजन को स्टार्ट करना। इंजन का क्या काम है? वाहन को गति प्रदान करना। इंजन किससे चलता है? डीजल और हवा से। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको महत्वपूर्ण आपके लिए हैं और आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैटरी से संबंधित भी कोई सवाल अगर पूछे तो आपको बता देना है, प्लस वाला माइनस वाला जो तार होते हैं इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीजें एकदम सिंपली है, और उम्मीद करता हूं मैं यहां पर जो आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं यहां से आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, और नॉलेज बढ़ रही तो आप इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा और अच्छे तरीके से आप सीखेंगे तो आपके सामने अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए तो आप उसको डेफिनेटली बता देंगे, क्योंकि रासर आपके साथ में बने हुए हैं और रासर अच्छे से जवाब आपको दे रहे हैं। हर पर्सन की बाल की खालम निकालते हैं, आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपको अगली क्लास नहीं मिलेगी। सीधा बता रहा हूं, अगर क्लास पसंद नहीं आई तो कमेंट में बता दो नहीं पसंद आई, अगली क्लास नहीं बनाएंगे। अगर पसंद आ रही है तो ही बनाएंगे, मजा आ रहा है क्लास में तो ही बनाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल है तो ही बनाएंगे। तो सारा चीजें आपकी है। आज मैं राजूराम से रासर बनाऊं तो आप लोगों की बदौलत बनाऊं, इसीलिए आपका सहयोग करना मेरा परम कर्तव्य है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इन प्रश्नों से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बिल्कुल आप बनाइए, आप ऐसा करते हैं तो हमें फायदा होता है। तो बिल्कुल हर एक काम का फायदा ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। जिनको ज्ञान ज्यादा पहले से है तो वो इस क्लास को न देखें, और जिनको ज्ञान की कमी है, जिनको सीखना है रासर का जो अनुभव है। अब देखो रासर यहाँ पर आपके लिए रात के 10 बजे आपके लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं, इसको तैयार करना, प्रश्नों को लिखना, फिर इसको रिकॉर्ड करना, फिर इसको एडिटिंग करना, अपलोड करना, फिर आपके पास शेयर करना, आप तो लोगों तक पहुंचाना। आपको पता नहीं कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस को पूरा करने कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। ये सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन प्राथमिकता है आपका हमारे प्रति जो प्रेम लगाव। तो इसीलिए अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों धन्यवाद। जी हिंद, वंदे मातरम।